सिंघा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय से सहमत हूं। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी इसका जिक्र किया है एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ होल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ईज ऑफ बिजनेस का हरगिज मतलब यह नहीं है कि कोई भी आए और कुछ भी करे। यहां पर वॉयलेशन सिर्फ एक चीज की नहीं हुई है, वॉयलेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की है, फैक्ट्रीज एक्ट की है, मिनिमम वेज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन की है। मैं क्यों कह रहा हूं, 16 जुलाई 2003 मुख्यमंत्री साहब हमारा बादल फटा गड़सा में और बादल फटने के बाद 41 पीपल डाइड, 17 वो डेड बॉडीज वर रिकवर्ड। दिस हाउस इन द मंथ ऑफ अगस्त ब्रॉट अ अमेंडमेंट इन द मिनिमम वेज एक्ट रूल्स एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन रूल्स। इसी सदन ने ये कहा विद इन वन वीक, एक हफ्ते से एक दिन ऊपर नहीं होगा, जो भी एस्टैब्लिशमेंट आएगी, कोई भी कंपनी आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो उसका फर्ज और दायित्व बनेगा, वो कार्ड देगा कार्ड, वो जो आज कहीं नहीं दिए जा रहे। यू सी, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं तो सोच रहा था कि ये वॉयलेशन उसकी भी हो गई है, क्या कहते हैं जो 80% हिमाचली रखने हैं, आई थॉट दे वर ऑल आउटसाइडर्स, लेकिन अब पता लग रहा है तो संतोषगढ़ के हैं लोग, जो संतोषगढ़ के हैं, कहीं के भी हो, लाइफ इज लाइफ है ना, कहीं की भी हो लाइफ लाइफ है। और इसलिए वो जो चंडीगढ़ पीजीआई में भी है वो भी सीरियस है। देयरफॉर मैं बिल्कुल सहमत हूं, इसमें तो जितना स्ट्रिक्ट हमें होना है वी हैव टू। ये आज की तारीख में नो डाउट मेरा भी इंटरेस्ट है, आपका भी है, कैपिटल आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट कहां डालनी है जो लाशें ही लाशें पैदा करती। देयरफॉर इतना ही मैं कहूंगा कि लेट अस कलेक्टिवली इवॉल्व अ मेथड जिससे आने वाले समय के लिए ये रुक जाए। क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं, इच्छा है सिर्फ है ना, डिजायर है, लेकिन इट इज द स्टेट दैट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हर चीज नहीं मानने के लिए तैयार, 150 मीटर की दूरी पर लेबर इंस्पेक्टर का वो है ऑफिस वहां पर, डज द लेबर ऑफिसर नॉट लेबर इंस्पेक्टर, डज ही नॉट नो की फैक्ट्री चली है, डज ही नॉट नो की रोज एक्टिविटी हो रही है, ही नोज इट, लेकिन जान के नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा जिसपे मैं एस्पर्शंस कास्ट करूं, लेकिन संकेत सारे के सारे ये जाते हैं कुछ काला है एंड वो पॉलिटिकल इससे ऊपर उठ के ये लोग करने लग जाएं, तो तब ये समझ लो हमारी पकड़ इन लोगों पर नहीं है, इट इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैज टू डिसाइड। अगर हम सारा प्रशासन और उस पर छोड़ देंगे ये राज चलेगा नहीं, चाहे आपका हो कल को ये आएंगे या आप ही आएंगे, ये चलेगी नहीं व्यवस्था। देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड थरो इंक्वायरी कि डिड नॉट द गवर्नमेंट नो, गवर्नमेंट जब मैं कह रहा हूं ऑफिसर्स को मैं जिक्र कर रहा हूं, द हाईएस्ट लेवल ऑफिसर्स आर सिटिंग हियर, आप भी बात का बुरा नहीं मानना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की और ये गाज सरकार पर गिरती है। मैं गिराना नहीं चाहता हूं लेकिन चर्चाएं नीचे होती है इस प्रकार की, प्लीज इस उद्देश्य से मैंने ये कॉल अटेंशन मोशन मूव किया था। और क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है, मैं चाहूंगा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सी बातें कही है यहां पर, वो उस इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहिए एंड दिस इंक्वायरी कैन नॉट बी वो जो निश्चितकालीन की टाइम बाउंड होनी चाहिए, इसी सेशन के अंदर वी मस्ट बी एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड
इन दैट हैकी बैंक की बिजनेस, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।